बकरी पालन का झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। यहाँ के गांव में रहने वाले 30 से 40% लोग बकरी पालते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि बकरियों की नस्ल में गिरावट आई है। पारंपरिक विधि से उन्हें पालने के चलते बीमारियां भी बढ़ी हैं और उनकी मृत्यु दर भी पहले से बढ़ी है। इससे बकरी पालन से होने वाले आय में भी कमी आई है। JSLPS का यह प्रयास है कि नए तरीकों और क्षमता विकास के द्वारा लोगों को बकरी पालन के बेहतर और नए तरीके बताए जाएं, जिससे उन्हें आमदनी अच्छी हो और बीमारी और मृत्यु दर में भी कमी हो। बकरी पालन के इस नए और वैज्ञानिक तरीके में पशु सखी, गोट क्लब और गोट रिसर्च सेंटर विशेष महत्व रखते हैं। सभी को जोहार, हम सब पशु सखी हैं। हम लोग पशु सखी सब दीदी लोग बकरी पालने का नया और बेहतर तरीका बताते हैं। हम लोग समूह के महिलाओं को चारा, पानी और दाना के बारे में बेहतर तरीके बताते हैं। हम लोग बकरी का घर रख रखाव के बारे में भी बताते हैं। हम लोग PPR और डिवर्मिंग और दवा के बारे में भी बताते हैं। हम लोग समूह के दीदियों को जो बकरी पालती है उसका एक समूह बनाते हैं, उसको गोट क्लब कहते हैं। हम लोग गोट क्लब के सदस्यों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि बेहतर तरीका से बकरी पालन कर सके। समूह के दीदी लोग को हम लोग अच्छा बकरी चुनाव करके बेचने और खरीदने में भी मदद करते हैं। दीदी साहब जोहार। जोहार दीदी, हम बकरी के बारे में बताने आए हैं। जब हम जो पुरखा से बकरी सब पाल रहे हैं, कैसे पालते हैं, परंपरा है ना पालने का, तो बकरी हाँ। तो हम लोग जब पालते हैं तो बकरी का ध्यान तो नहीं देते हैं, कैसे कैसे का करना है, खिलाना है कैसे, उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और क्या बोलेंगे, बकरी भी हम लोग का ध्यान नहीं देने के कारण में साल में कितना बार बीमारी हो रहा है, हाँ। होता है दीदी। तो दीदी नया तरीका बताएंगे, उसको अपनाने चाहेगा का? हाँ दीदी चाहते हैं, बताइए बताए हम लोग को ज़्यादा फायदा मिले। हाँ दीदी हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन इसका क्या क्या नया नया तरीका है वो सब बताइए। दीदी आप लोग नया तरीका से बकरी पालिएगा ना तो मुनाफा ज़्यादा होगा, मृत्यु दर कम होगा और बीमार कम होगा। ठीक है दीदी, आप लोग नया तरीका बताइए, हम लोग तो जानना चाहते हैं, और आप लोग जो बताइएगा वही नया तरीका से हम लोग पालेंगे। दीदी लोग ये देख रहे हैं ना, हरा चारा है हाँ, आप लोग जब भी हरा चारा खिलाइएगा तो इसी तरह का टांग के खिलाइएगा, जमीन के नीचे सटना नहीं चाहिए हाँ। और इसमें दो फायदा है, एक तो पत्ता गंदा नहीं होगा और शरीर बकरी का पेट में गंदगी नहीं जाएगी, और दूसरा फायदा है कि बकरी उछल के खाएगा तो उसका विकास अच्छा होगा। दीदी ये पानी स्टैंड है, इसमें पानी साफ रहता है, दूसरा बकरी का गला नहीं दर्द देगा, झुक के पिएगा तो दर्द देगा और झुक के नहीं पिएगा तो दर्द उसको नहीं देगा, और तीसरा फायदा है कि उसका विकास अच्छा होगा। दीदी ये चरही है, इसमें हम दाना डाल रहे हैं। दीदी इसमें दाना डाल के खिलाने से दाना का बर्बाद नहीं होगा और दाना नीचे नहीं गिरेगा और समय का बचत होगा। दीदी जब इसमें आप दाना डाल के बकरी को खिलाइएगा तो घर का कुछ भी काम और कर सकते हैं। दीदी आप लोग तो ये देख लिए ना, खाने खाने और पीने का कैसे ये रखना चाहिए, ये है रहने का। दीदी बकरी को रखने के लिए, नमी से दूर रखने के लिए ऐसे मचान बना के रखना चाहिए।
दीदी बकरी को रखने के लिए उसका घर हवादार रहना चाहिए और सूखा रहना चाहिए। दीदी आप जो जो बताए वो सब तो हम लोग सुने, अच्छा लगा सुन के। तो बकरी बीमार होगी तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? दीदी बकरी सबका जो मुख्य बीमारी पीपीआर होता है, पीपीआर एक बार टीका लगने से 3 साल तक पीपीआर नहीं होगा। पीपीआर का चार्ज 5 रुपया लगता है, उसमें से 4 रुपया दवा का 4 रुपया और पशु सखी का 1 रुपया लेते हैं दीदी लोग। इसका अलावा और बकरी सबको बीमारी है जो कि जो पेट में कीड़ा होता है उसको मारने दूर करने के लिए डिवॉर्मिंग कहते हैं, और उसको दवा का दाम 4 रुपया और पशु सखी का 1 रुपया लेते हैं। साल में दो बार इसका दवा खिलाना पड़ता है, वर्षा से पहले और वर्षा के बाद में। दीदी लोग इसका अलावा और भी बीमारी है, उसको दूर करने के लिए उपाय भी है, अगले बार विस्तार से बताएंगे। GRC का मतलब गोट रिसर्च सेंटर। GRC ब्लॉक लेवल का एक संघ है, ये गोट क्लब का ऊपर का संघ है। गोट क्लब का सारे सदस्यों का प्रशिक्षण और टीम लीडर का प्रशिक्षण GRC में होता है। पशु सखी का प्रशिक्षण भी GRC में होता है। मनरपुर में 10 गांव का 20 महिलाओं का एक संघ बनाए हैं, GRC बनाए हैं। वो GRC का नाम है लक्ष्मी बकरी पालक संघ। GRC में बकरी का खरीद बिक्री होगा, चारा दाना तैयार किया जाएगा और यहीं से बिक्री होगा। गोट क्लब की महिलाएं चारा दाना तैयार करेंगी। बकरी से संबंधित बीमारी का इलाज यहाँ होगा और यहीं से दवाई दिया जाएगा। GRC में नस्ल सुधार और मेमना नर्सरी का भी सुविधा है। बकरी बीमा और बकरा उद्यमी की सुविधा भी GRC में उपलब्ध है। इसके अलावा भी बकरी से संबंधित सारी जानकारी यहीं से मिलेगी। GRC के काम में गो ट्रस्ट तकनीकी सहयोग करती है। सभी दीदियों को जोहार। मेरा नाम देवकी महतो, समूह का नाम है चांदनी स्वयं सहायता समूह, गांव गोपीपुर। जब से पशु सखी आई है तब बताई कि नया तरीका, और हम लोग को तरीका को अपनाएं और मृत्यु दर कम हुई और जो बीमारी है वो हटने लगी और उससे अभी ज़्यादा विकास हो रहा है।